Hey guys, this is Raj Kadam here and I'm back with another video. So आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 5 एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ टू ग्रो योर लेग्स। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट टू ट्रेन देयर लेग्स बिकॉज लेग्स ट्रेन करने से बहुत सोरनेस आती है एंड डे टू डे टास्क करने में बहुत मुश्किल होती है, लाइक चलने में, वॉकिंग करने में एंड पॉटी करने में। लेग्स एक बड़ा मसल ग्रुप है जिसको ट्रेन करने से आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाती है एंड लेग्स ट्रेन करने से आपकी बॉडी प्रोपोर्शनेट दिखती है। सो जो भी लोग लेग्स को ट्रेन नहीं करते, स्टार्ट ट्रेनिंग योर लेग्स। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टॉप 5 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिससे कि आप आपकी लोअर बॉडी को, लेग्स को ग्रो कर सकते हैं। सो आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज जिसमें मैं आपको हर एक मसल ग्रुप के टॉप 5 एक्सरसाइज बताता हूँ, जैसे कि ट्राइसेप, बाइसेप, चेस्ट, बैक एक्सेट्रा। सो आपको इन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी एंड प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पे आ रही होगी। सो गो वॉच दैट वीडियोस फॉर टॉप 5 एक्सरसाइज ऑन ऑल द मसल ग्रुप। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डू इज स्क्वाट्स। And I know people hate doing squats because squats are difficult and the weight is too heavy. But आपको squats perform करने चाहिए because ये आपकी overall lower body को develop करने में मदद करते हैं। So you should start doing squats. And मेरा personal squat पे PR है 145 kgs at 68 kgs body weight. If you want to watch the PR video, आपको इन video के लिए यहाँ पे आ रही होगी। So let's come to our topic. इस exercise में squats में आप आपकी lower body को target करते हो जिसमें आप आपके quads को, hamstrings को, glutes को and calves को, सारे muscles को target करते हो। So you should start doing this exercise. ये exercise करने से आपकी deadlift की strength increase होगी, आपकी core की strength increase होगी and leg strength करने से आपका testosterone भी बढ़ेगा। ये exercise की आपको 2 warm-up sets करने हैं and 4 working sets करने हैं ऑफ रेपिटेशन 6 to 10। इस एक्सरसाइज में आप हेवी जा सकते हो बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर फॉर्म बिकॉज इस एक्सरसाइज में इंजुरीज के चांसेस ज्यादा है एंड आपको सिर्फ स्क्वाट्स नहीं करने, आपको डीप स्क्वाट्स करने, आपको पैरेलल या पैरेलल से नीचे आपके ग्लूट्स को लेके आना है जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड एक्सरसाइज। सो द सेकंड एक्सरसाइज जो हम करने वाले वो होगी लेग प्रेस। सो इस एक्सरसाइज में भी आप हेवी जा सकते हो एंड इस एक्सरसाइज में भी आप आपके ग्लूट्स को, क्वाड्स को एंड हैमस्ट्रिंग्स को टारगेट करते हो। सो स्क्वाट्स एंड लेग प्रेस आर कंपाउंड एक्सरसाइजेस एंड इस एक्सरसाइज के आप 4 सेट कर सकते हो ऑफ रेपिटेशन फ्रॉम 6 to 10। इसमें भी आप हेवी जा सकते हो बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर फॉर्म। So moving to the third exercise is going to be leg curls. ये exercise आपके hamstrings and glutes को target करती है। इस exercise में आप failure तक जा सकते हो। इस exercise के आप 4 sets करोगे of repetition from 12 to 15. Which I'm a fucking phenomenon. So moving to the fourth exercise. So the fourth exercise we are going to do is leg extension. And इस exercise में आप quads को target करते हो and इस exercise में आप moderate weight पे फेल्योर तक जा सकते हो। इस एक्सरसाइज के आपको 4 सेट्स करने और हर एक सेट के 12 टू 15 रेपिटेशंस करने। सो मूविंग टू द फिफ्थ एक्सरसाइज, द फिफ्थ एक्सरसाइज जो हम करने वाले वो होगी काफ रेजेस एंड इस एक्सरसाइज को आप काफ रेजेस की मशीन पे भी कर सकते हो तो या फिर स्मिथ मशीन पे भी कर सकते हो बट मैं पर्सनली इस एक्सरसाइज को लेग प्रेस पे करता हूँ बिकॉज लेग प्रेस पे मेरा माइंड मसल कनेक्शन अच्छा होता है एंड इस एक्सरसाइज के आपको 4 सेट करने हैं ऑफ मॉडरेट वेट। मैं पर्सनली इस एक्सरसाइज पे ज्यादा हेवी नहीं जाता बट मैं इसके ड्रॉप सेट्स करता हूँ बट आप इस एक्सरसाइज को 10 to 15 रेप्रेंज में भी कर सकते हो। सो दिस वेर माई टॉप एक्सरसाइजेस फॉर लेग्स फॉर लोअर बॉडी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैं ऐसे फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाते रहता हूँ लाइक ब्लॉग्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, हेल्दी रेसिपीज एक्सेट्रा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ कंटेंट सब्सक्राइब करके जाना एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।